हेलो गाइज, आपका स्वागत है चैनल के एक नए एपिसोड में। क्या आप लोग जानते हो कि एक न्यू बॉर्न चाइल्ड यानी कि नए नए जन्मे बच्चे के आंखों में कभी आंसू नहीं आते? और क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जो पूरे 68 सालों तक हिचकी लेता रहा था? जी हाँ, ऐसे ही गजब फैक्ट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट्स फ्रंटलाइन यूट्यूब चैनल, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों पैसिफिक ओशियन इस दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र है, लेकिन शायद जो बात मैं आपको अब बताऊंगा वो आपने कभी नोटिस नहीं करी होगी। पैसिफिक ओशियन जो ये दो शब्द हैं, इनमें जितने भी सी आ रहे हैं वो सब अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस होते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो एक काम करिए, एक बार पैसिफिक ओशियन ये पूरा वर्ड बोलिए लेकिन थोड़ा धीरे, और जहाँ पर सी लेटर आ रहा है वहाँ पर नोटिस करिए। पहला सी स की तरह प्रोनाउंस हो रहा है, दूसरा सी क की तरह प्रोनाउंस हो रहा है, और वहीं लास्ट वाला सी श की तरह प्रोनाउंस हो रहा है। क्यों है ना एक मज़ेदार फैक्ट। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आपने ये गेम तो ज़रूर देखा होगा, इसे पूल, बिलियर्ड्स, स्नूकर्स एटसेट्रा बोला जाता है। और अगर आपने ये गेम देखा है तो आपने ये भी ज़रूर देखा होगा कि जो लोग इसे खेल रहे होते हैं वो अपने स्टिक के फ्रंट साइड पे इस तरह से कोई चीज़ को लगाते हैं हर शॉट लेने से पहले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा वो लोग क्यों करते हैं? बेसिकली इस प्रोसेस को चॉकिंग कहते हैं। शॉट लेने से पहले प्लेयर स्टिक पे चॉक लगाता है ताकि जब स्टिक बॉल को लगे तो उनके बीच में फ्रिक्शन बना रहे। लगातार शॉट्स लेने से स्टिक की टिप स्मूथ हो जाती है और जिससे शॉट लेते वक्त बॉल इधर उधर जा सकती है और शॉट मिस हो सकता है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों एक न्यू बॉर्न चाइल्ड हमेशा रोता रहता है, लेकिन क्या आपको पता है कि नए जन्मे बच्चे के आंखों में कभी भी आंसू नहीं आते, क्योंकि उनके टीयर डक्ट्स यानी कि आंसू बनाने वाले ऑर्गन का निर्माण उस टाइम पे हुआ ही नहीं होता है। उसे पूरी तरह बनने में 1 से 1.5 महीने का समय लगता है, और उससे पहले नए जन्मे बच्चे के आंखों में कभी भी आंसू नहीं आ सकते। हमें उसके रोने का बस उसकी आवाज़ से पता लगता है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों मच्छर इस दुनिया का सबसे खतरनाक इंसेक्ट है, क्योंकि हर साल मच्छर से ज़्यादा जाने और कोई भी जानवर इस दुनिया में नहीं लेता है, क्योंकि मच्छर जिस तरह के डिजीज़ कैरी करते हैं वो बहुत ज़्यादा जानलेवा होते हैं, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू एट्सेट्रा। तो इसीलिए जब भी बारिश का मौसम हो या फिर ऐसा मौसम हो जहाँ पे मच्छरों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अपना ख्याल ज़रूर रखें। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि दुनिया के सिर्फ 2 ऐसे देश हैं जिनके झंडों में पर्पल कलर मौजूद है? डोमिनिका और निकारागुआ, ये ऐसे 2 देश हैं जो अपने फ्लैग्स में पर्पल कलर यूज करते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई देश इस दुनिया में मौजूद नहीं है जिसके फ्लैग में पर्पल कलर का यूज होता हो। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों 2 ट्विंस हैं, कैटी एंड एमी नाम की, और इनके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। वैसे तो ये दोनों ट्विंस हैं, लेकिन इनके जन्म लेने के बीच का टाइम यानी कि अंतर 87 दिनों का है। जब एमी पैदा हुई तो उसके 87 दिनों के बाद कैटी का जन्म हुआ। ये आज तक का लॉन्गेस्ट डिफरेंस है किन्हीं 2 ट्विंस के जन्म लेने के बीच। फैक्ट नंबर 4, ये एक अजीब फैक्ट है, मतलब ऐसा फैक्ट है जो हमें अजीब लगेगा लेकिन अमेरिका और यूरोप के लोगों के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल है। एक्चुअली 29 मई को हर साल अमेरिका और यूरोप में पुट अ पिलो ऑन योर फ्रिज डे मनाया जाता है। लोग इस दिन अपने फ्रिज के ऊपर एक पिलो रखते हैं। लोगों के हिसाब से ये घर में बरकत और अच्छा समय और लक लेकर आता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों एक इंसान थे चार्ल्स ऑसबोर्न नाम के, और इनके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है सबसे ज्यादा हिचकियां लेने का। जी हाँ, भले ही सुनने में अजीब लग रहा हो, लेकिन इस इंसान को 1922 में हिचकियां आनी शुरू हुई थी और वो लगातार 68 सालों तक यानी कि 68 ईयर्स तक चलती रही। पहले वो 1 मिनट में करीबन 40 बार हिचकी लेते थे, फिर वो घटकर 20 पर मिनट पे आ गए, लेकिन 68 सालों तक उनकी हिचकी लगातार चलती रही। 1990 में इनकी हिचकियां बंद हो गई और 1 साल के बाद इनकी डेथ हो गई। उनके डॉक्टर की माने तो उनके ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा डैमेज हो गया था जिससे कि हिचकी को रोकने का रिस्पॉन्स ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहा था। माना जाता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में पूरे 43 करोड़ बार हिचकी ली थी। इट्स रियली अनबिलीवेबल। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों अगर किसी आदमी को स्नाइपर से गोली चला के मारा जाए तो वो आदमी फायरिंग की आवाज़ सुनने से पहले ही मर जाएगा। जी हाँ, साउंड की स्पीड होती है 343 मीटर पर सेकेंड, और वहीं स्नाइपर की गोली की रफ्तार होती है 762 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जिस पे गोली चलाई जाएगी उस तक आवाज़ पहुंचने से पहले ही उसे गोली लग जाएगी और वो मर जाएगा। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने सैटर्न की रिंग्स तो ज़रूर देखी होंगी,
ये देखिए कितनी अच्छी और खूबसूरत लग रही हैं ये रिंग्स, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। ज़रा इस प्लैनेट को देखिए, इस प्लैनेट का नाम है J1407b और इस प्लैनेट की रिंग्स का ज़रा साइज़ देखिए। इन रिंग्स का रेडियस करीबन 9 करोड़ किलोमीटर है और इस प्लैनेट का रिंग सिस्टम सैटर्न से करीबन 200 गुना तक बड़ा है। ये प्लैनेट पृथ्वी से 434 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। इट्स रियली रियली अमेजिंग। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये मज़ेदार फैक्ट्स? उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखकर आप सभी को काफ़ी मज़ा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone.